ओ भाई काली मुर्गी काले काले चूजे निकाली है, वाह मजा आ गया है, कितने निकाली है, ओ ओ भाई इतने सारे चूजे, अजाली इसका रहेगा नाना, ओ ओ वो 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 वाह मजा आ गया, इतने सारे चूजे, वाह भाई वाह मजा आ गया। अभी तक जो चूजे देखियो वो चूजों के लिए जाली लेके आ रहे हैं हम, तो अभी मैं ओपन कर लूंगा डोर, ये ओपन करने का ही इंतजार कर दे दोस्त, ये देखो ये कब कब बाहर जाऊंगा अगर देखते हैं, बहुत छुट्टे हो गए ये बाहर, मैं गिन के डालते जाऊंगा अभी, ये देखो मेरे हाथ में दो, आप भी गिनिए मेरे साथ, दो और ये दो चार और ये पांच छः और ये सात आठ नौ और दस, ये ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ओ भाई पंद्रह बच्चे, क्या ही है, पहली बार 15 बच्चे निकाली कालू, दूसरी बार निकाली है दोस्त, ये एक बार बच्चे निकाली थी फिर अंडों में बिठाए थे फिर दोबारा अंडों दोबारा बच्चे निकाल लिए, मस्त मस्त निकाली है, हाँ पेटे दीन भाई नोदले आ जाली जिसको पकड़ पिल्ला लग दूसरा अरे पिल्ला खुश, ओ भाई ये 15 बच्चे हैं, अभी ये सारे बच्चों को हम क्या करेंगे, अभी इसमें डाल देंगे जाली में सब बच्चों को, बच्चों के साथ ये मुर्गी को छोड़ देंगे दोस्त, हाँ वेरी गुड सुपर, इन्हें डाल रहा, ये देखो चार 15 + 4 19 हो गए, 20, 21, 22, 23, 24 थोड़ी नहीं थी 24, 25, 26, 27 27 चिक्स निकले हैं दोस्त टोटल, फिर ये मुर्गी को ला लिए बाहर, कितने मस्त है यार, सेकंड बैच है अपना ये, चलो कितने बैचेस निकलते जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखते जाएंगे और आपको बैचेस मिलते भी जाएंगे, तो बहुत जल्द आप तक भी ये बैचेस आएंगे, इसीलिए वीडियोस बरकरार रही है, हम अभी क्या कर रहे हैं ये बच्चों को दूसरे पार्टीशंस में शिफ्ट कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि वही पार्टीशन में रखे तो क्या होगा, चलिए फाइनली चूजों को मुर्गी के साथ ये वाले पार्टीशन में यहाँ पर रख दिए, अभी इसको स्टार्टर फीड डाल दिए एक ढक्कन में, देखिए ढक्कन की ऊंचाई जो है ना दोस्त ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहना है, जिस तरह से हम डालें ताकि बच्चे आराम से फीड अपनना है उनको खाना है, तभी बच्चा स्ट्रांग बनेगा हेल्थी रहेगा, ज़्यादा खाएंगा तो जल्दी घट बनेगा, इसीलिए ये जो बर्तन है पानी के और दाने के किस तरह से हम रख रहे हैं उसी तरह से आप रखिए, एक साइड पे एक कॉर्नर पे हम दाने का बर्तन रख दिए और एक कॉर्नर पे पानी का बर्तन रख दिए मेरे भाई, बहुत सारे भाइयों को ये डाउट रहता है मेरे भाई कि चूजे जब निकलते हैं कितने दिन में चलने लगते हैं, देखो मेरे भाई जब चूज़ा मुर्गी के पेट के नीचे से यानी अंडे में से तभी तभी निकलता है ना, तब वहाँ से लेके एक 5-6 घंटे में घट हो जाता है, उसके पंख थोड़ा सा खुल जाते हैं, एक 5-6 घंटे से लेकर 5-6 घंटे में जब उसके पंख खुल जाते हैं और एक 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा सा चलने लगता है, 12 घंटे के बाद वो खुद से अच्छे से चलने लगता है, 24 घंटे के बाद भागकर फीड तलाश करने की कोशिश करता है, आराम से खा लेता है, कितने मस्त तरीके से ऊपर बैठे यार मुर्गी के ऊपर चढ़कर बैठे हैं चूजे उसके, तो चलो अर्ली मॉर्निंग है थोड़ा भाग खेलने लगाएंगे इनको, जॉकिंग वॉकिंग हो जाएगी।
चलो मोबाइल निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। फीड तो डाल दिए मस्त में, अच्छा है। और पानी यहाँ पर रखे, पानी भी अच्छा है। एवरी मॉर्निंग ये दाना पानी हो गया है इनका, अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं जो आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ ना, गोबर डालने लगाएंगे कहकर, गोबर भी आ गया है यहाँ पर। मुर्गी खोदते जाएगी, चूजे भी खाते जाएंगे थोड़ा बहुत, और फ्री रहेंगे, एक्टिव में रहेंगे। इतना सारा इसका पॉटिशन है, मस्त है। तो अभी हम दूसरे बर्ड्स के पास भी चलते हैं। दूसरे बर्ड्स के पास चलने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मेरे भाई। ये चूज़े देखिए, आज को एक लगभग 14-15 दिन के हो गए, तो इसको 40 चूज़े डाले थे ये मुर्गी को, आज को भी 40 चूज़े उसी तरह से है मेरे भाई। एक भी नहीं मर गया, एक की भी मोर्टैलिटी नहीं हुई है, एक्सपायर नहीं हुआ है एक भी, 40 के 40 इसी तरह से। तो फिर हम इसको किस तरह से संभाले यहाँ तक ये जानिए। देखो मेरे भाई, जब ये चूज़े निकले थे ना, 4 चूज़े मिलकर 40 चूज़े निकाले थे, 4 मुर्गियाँ 40 चूज़े जब निकाले थे, वो सारे चूज़ों को ये वाली मुर्गी के साथ छोड़ दिए थे हम। छोड़ देकर जो जाली देख रहे हो, वो जाली में 2 दिन रखे, उसके बाद आराम से बाहर छोड़ दिए। इस तरह से एक बड़ा सा पार्टीशन उसको अरेंज कर कर दे दिए। पानी, पानी में क्या डाले हम, फ्रेश पानी देते गए, सिर्फ एक ब्रूटॉन की टॉनिक ला लिए, कभी कभी ब्रूटॉन दे देते, एक ढक्कन जो 2 लीटर पानी में ब्रूटॉन का जो छोटी डब्बी रहती है, जो छोटी शीशी रहती है, एक ढक्कन डाल देकर रख दिए। ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करे इसको, यानी लेक्सिन पाउडर हो जाए या टेट्रासाइक्लिन हो जाए, ऐसे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करे, फिर भी चूज़े स्ट्रांग है, घट है। बस यहाँ पर हम गोबर डाल दिए, गोबर में कीड़े वगैरह मस्त इस तरह से मुर्गी खिला लेते, बच्चों को खा लेते, एंजॉय करते गई है। बट फीड हमेशा याद रखना है मेरे भाई आपको, स्टार्टर फीड नहीं मिल रहा है तो जवारी और घी बाजरा, ये 3 अच्छे से मिक्स करिए, यानी 3 1-1 किलो, ठीक है। अगर से आप 30 किलो का बना ले रहे हो तो 3 10-10 किलो इस तरह से बनाकर खाने में इस्तेमाल करिए, एकदम बेस्ट, अच्छी तरीके से रहेंगे चूज़े। चलिए मेरे भाई, अभी क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग है ना, जल्दी से हम कागज़ को ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेश हवा अंदर जा सके और बाहर से जो भी अमोनिया की हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड की हवा है, यानी मुर्गी जब मल करती है, वो मल में अमोनिया परसेंटेज ज़्यादा रहता है मेरे भाई, वो पूरा बाहर निकल जाए, गंदी हवा बाहर चले जाए, अच्छी हवा अंदर जाए, इसीलिए हम इसीलिए हम पर्दे थोड़ा मॉर्निंग उठा देते, हवा चले जाती है अच्छे से, 1-2 घंटे के बाद, यानी फीड डाल देते हैं। अभी फीड डाल कर 2 घंटे के बाद हम खोल देते हैं बर्ड्स को, यानी फीड खा लिए के बाद थोड़ा बहुत बाहर जाकर आराम से दाना खाएंगे, ये जो कीड़ा खाएंगे, जो जो भी मिलता है बाहर, घास कीड़ा मकोड़ा जो भी है, आराम से उनका पेट भर जाता है, फिर शाम में रिटर्न यहाँ पर आ जाते हैं। आपको भी ये बात हमेशा याद रखनी है, नहीं तो देखो मेरे भाई, हमेशा चेक एक बार आप ये बात मेरी हमेशा याद रखिए, ताकि पोल्ट्री फार्म्स जो भी है ना, 2 ही कारण से ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, एक फीड का कॉस्ट ज़्यादा आने की वजह से, और दूसरा बीमारियों के चलते। ये 2 पे आप पकड़ बना लोगे ना, डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको, एक भी चूज़ा नहीं मरेगा आपका, मुर्गी नहीं मरेगी, और आपको बंद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत बीमारी रहे जब भी पहचान लोगे, उसका इलाज कर पाओगे ठीक तरह से, तो क्यों मरेंगे बर्ड्स, नहीं मरेंगे मेरे भाई। और वैक्सीन्स के बारे में पता रहना है थोड़ा बहुत, आप नॉलेज गेन करने के बाद ही फार्म स्टार्ट करना है मेरे भाई। बहुत सारे आजकल भाई क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जैसे उनके पास कुछ बजट हो तो, अब मुझ जैसे भाइयों की वीडियोस देख रहे हैं या कहीं पोल्ट्री फार्म्स देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, डायरेक्ट 100 मुर्गियाँ 500 मुर्गियाँ 1000 मुर्गियाँ लाकर छोड़ दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से फीड मैनेजमेंट जो रहता है पोल्ट्री फार्मिंग में, यानी फीड का खर्चा ज़्यादा आ जाकर फार्म्स बंद करना पड़ रहा है मेरे भाई। और मुर्गी पालन में इससे घातक बीमारियाँ रहते हैं, जैसे कि रानीखेत हो जाए, फॉल फॉक्स हो जाए, और डायरिया हो जाए, CRD, घातक बीमारी है मेरे भाई। इसीलिए इन सारे
बीमारियों के मेडिसिंस जानकर रखना है आपको, मेडिसिंस किस तरह से यूज़ करना है पता रहना है, और कौन सी बीमारी किस तरह से पहचानना है ये पता रहना है। आपकी सब नॉलेज गेन करके मुर्गी फार्मिंग स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली कभी लॉस नहीं आएगा, बंद करना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगले वीडियो में एक अच्छी और एक टॉपिक लेकर मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है, ख्याल रखना है और मुझे याद भी रखना है। मैं हूँ आपका दोस्त अजमत, और जो भी भाई नहीं सब्सक्राइब करे हो अब तक, तो अगले वीडियो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल ज़रूर कर लीजिए मेरे भाई।